उज्जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। उज्जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप, कोलकाता। उज्जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, जेके मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बरजातिया, आरके साड़ीज, आरके स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, केपी, कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कॉन्क्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सराव के एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के अनोखे सेगमेंट जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, जैन रत्न सीजन 2 के इन एपिसोड्स की शूटिंग के लिए वह जिंदगी के 8 सदस्यों की टीम ने 50,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके आधुनिक संसाधनों के द्वारा पूरी शूटिंग की है। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। सुदीप जैन, IAS दिल्ली, भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले, चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। मंजू लोढ़ा, मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ प्रतिभाशाली लेखिका, गायिका और कवित्री भी। विनोद कुमार आचार्य, कोलकाता, बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति। और पति पत्नी के इस जोड़े ने मृत्युप्रांत मानव सेवा के लिए अपने पूरे शरीर के अंगों को दान कर दिया। भीकम चंद पुगलिया, कोलकाता, जहां इन्होंने अपने जन्म स्थान और कर्म स्थान के लिए अनेक कार्य किए, वहीं इन्हें अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संजय सीमा बाकलीवाल, नवी मुंबई, शिक्षित पति पत्नी के इस जोड़े ने बाकलीवाल फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कृपया वह जिंदगी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त हमारे जैन समाज से हैं,
और उनका नाम है श्री सुदीप जैन। सुदीप जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सुदीप जी, आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचना एक सपने जैसा होता है, तो आपकी यात्रा क्या रही? 20 साल तमिलनाडु काडर में काम करने के बाद जब सेंट्रल डेपुटेशन पे मेरे को 2015 में यहाँ पर आने का मौका मिला और 2015 से मैं चुनाव आयोग में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आपके द्वारा कई ऐसे काम किए गए जिससे सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का लाभ हुआ, बचत हुई, तो इस तरह के क्या काम आप करते हैं? एक उदाहरण के तौर पर, जब मैं तमिलनाडु में सोलर एनर्जी हैंडल कर रहा था और वहाँ पर 1,00,000 स्ट्रीट लाइट्स को सोलर से कनेक्ट करना था, तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करते समय इमीडिएटली ध्यान में आया कि हम सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ देखें। सो उसमें जब काम करना शुरू किया तो देखा कि इंडस्ट्री में बहुत एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल ही नहीं थी। सो आईआईटी मद्रास के साथ जुड़कर उसमें काम किया और उस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 50% सेविंग्स पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। निर्वाचन आयोग में मैं पिछले 6 साल से ईवीएम्स देख रहा था, सो उसमें भी कैसे हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें और कैसे खर्चा कम कर सकें, और वो रोल आउट किया। गिनीस बुक में आपका नाम दो दो बार आया है कि पर्यावरण को आपने बहुत बढ़ावा दिया, लाखों पेड़ आपने लगवाए, तो ये कंसेप्ट आपका क्या है? मैं जब नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर था तो वहाँ तीसरा या चौथा साल कंटिन्यूस ड्रॉट का था, और जब पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही होती है तो फार्मर्स कई तरीके के यज्ञ कर रहे होते हैं, और एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको भी बहुत बार इनवाइट किया जाता है और आपको वहाँ बैठ के वो यज्ञ पे रहना होता है। तो वहाँ से एक सोच आई कि नहीं, ये यज्ञ करने से शायद पानी नहीं बरसे, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे आज नहीं तो 10 साल 20 साल 50 साल में उस जगह नहीं तो कहीं और कम से कम बारिश बढ़े। इस सोच के साथ पहली बार हमने 2002 में टीम ऑफ फार्मर्स को उनको मोटिवेट किया और एक गिनीस रिकॉर्ड ब्रेक करने का टारगेट रखा। 24 घंटे में हमने 80,244 पेड़ लगाए। नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट इंडिया में वर्स्ट अफेक्टेड था सुनामी से, करीब 6,000 लोग इसमें उनकी मृत्यु हुई, और ये प्लांटेशन सौभाग्य से कोस्ट पे किया था हमने, क्योंकि हमें वहीं ज़मीन मिली थी और कहीं जगह नहीं मिली उतनी। और जब पेड़ लगाए थे तो कैशुरीना पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किए थे, वो विंड बैरियर का काम करते हैं, उसके लिए लगाए थे। लेकिन 2 साल में ये पेड़ करीब 10 से 12 फीट लंबे हो गए थे और ये पूरा विलेज सुनामी से इन पेड़ों के कारण बच गया। इस पूरे विलेज में एक भी डेथ नहीं हुई। फिर हमने सुनामी रिहैबिलिटेशन की एक संस्था शुरू करी और इसमें काफ़ी सारे काम किए, लेकिन साथ में ये भी एक प्रोजेक्ट लिया कि अपने को फिर से यहाँ पर पेड़ लगाने हैं। 23 घंटे में, जो 24 घंटे मिले थे, 23 घंटे में 2,54,000 ये पेड़ हम फाइनली लगा पाए, और एक नया गिनीस रिकॉर्ड जो इस बार जो सुनामी में वर्ल्ड वाइड डेथ्स हुई उसकी मेमोरी में ये एक प्लांटेशन का मौका लगा। सुदीप जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों को आपके विचारों को सुनने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, थैंक यू। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ मुंबई में बैठा बैठा इस वक्त, जिस महिला की, उसका नाम है श्रीमती मंजू लोढ़ा। मंजू जी, जैन रत्न के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। आप किताबें भी लिखती हैं, क्या लिखा है आपने? मैंने बहुत अलग अलग तरीके से सब कुछ लिखा है। एक किताब मैंने अपनी माँ को समर्पित की, एक अपने पिताजी को समर्पित की, बाबुल माँ,
एक पाती लिखी है जिसमें कि सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं मैंने भगवान को, और फिर मैंने एक लिखी है परमवीर चक्र अवार्ड डायरी। इस किताब ने मुझे, सही कहूँ तो हमारे भारत में भी और मुझे यूके में भी, मुझे बहुत, मतलब कह रही हूँ, प्रशंसा मैंने इस किताब के माध्यम से बटोरी है। और मेरा इस किताब का जो विमोचन हुआ था, पहले यहाँ पर गवर्नर हाउस में हुआ और फिर रक्षा मंत्रालय में मनोहर जी ने किया दिल्ली में, और फिर मैंने लंदन में उस किताब का विमोचन किया, वहाँ के हाई कमिश्नर थे उन्होंने किया। किताब मैंने कैसे लिखी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाने को 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोढ़ा फाउंडेशन के माध्यम से एक अनोखा कार्यक्रम करते हैं। तो हम सबसे पहले लता जी के घर गए, फिर हमने नरेंद्र जी से बात की, और फिर हमने देश के जितने भी, देश भर में हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं या महावीर चक्र विजेता, कीर्ति चक्र विजेता, सारे उन लोगों से हमने संपर्क किया। उन लोगों को लोढ़ा फाउंडेशन के माध्यम से हमने आमंत्रित किया। जो स्टेज बना था, स्टेज पे सिर्फ मोदी जी थे, लता जी थे, कवि प्रदीप की बेटी और हमारे सारे ये विजेता, जिनके वो नहीं थे जो शहीद हो गए थे, तो उनके परिवार के लोग थे। और आपको मैं बताऊं, सामने 1.5 लाख जनता है। आज की हमारी सत्कार मूर्ति कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री लता दीदी, हम सबके लाडले तथा हमारे आशा के किरण आदरणीय मोदी जी, शरद तथा हमारे रक्षक, हमारे वीर जांबाज, आज आप सभी लोगों का अभिनंदन। सब लोगों ने एक साथ ये गाना गाया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। मुझे पता चला कि आप सेंसर बोर्ड, जूरी बोर्ड की सदस्य भी हैं। आपने एक काफ़ी बड़ा मंदिर भी निर्मित कराया है, वो मंदिर कहाँ है, उसकी क्या विशेषता है? हमारा जो ये मंदिर है लोढ़ा धाम, ये अपन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे है, दहीसर के आगे पे। और वहाँ हमने, जैसे कि पहले तो सोचा था कि एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और तो साधु साधुओं के ठहरने का बनाया, फिर मंदिर बनते बनते मंदिर काफ़ी बड़ा बन गया। हमने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहाँ बनाई है जहाँ 10 लाख किताबें आ सकती हैं, सब तरह की किताबें वहाँ पर हैं। और इसके अलावा हमने एक छोटा सा वहाँ मंदिर बनाया है, हर गच के जो गच्छाधिपति हैं, आचार्य हैं, उनकी मूर्ति वहाँ लगाई है। ये दो विशेषताएं वहाँ की खास है, और श्री मंदिर दादा का मंदिर है। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य का मेरा एक ही सपना अभी है, मैं एक गांव गोद लूँगी और उसको पूरा, उस गांव को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। ये मेरा एक सपना है। वैसे तो हम गांव-गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गाँव जहाँ जीरो से शुरुआत करके उसको पूरा उस गाँव को मैं बसाना चाहती हूँ, ये मेरा एक सपना है। मंजू जी, आज बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां भी आपको देख रही है, आपकी बातों को सुन रही है, आप उन्हें क्या संदेश दें? मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूं कि अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालें, क्योंकि हमें अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना होगा, क्योंकि कोई बाहर वाला आकर हमें नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। 24 घंटे में आप पूरे 22 घंटे अपने परिवार को दीजिए, लेकिन 1 या 2 घंटा आप स्वयं के लिए निकालें, जहाँ आप हो और आपका शो, जो भी आपकी पसंद हो, आपका शौक हो, वो रहना चाहिए। मंजू जी, आप वह जिंदगी के जैन रत्न में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे मेरे, मतलब मुझे योग्य समझा, और इस मंच पर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मेरा मनपसंद मुक्तक यही है, मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। बस मन में जहाँ चाह वहाँ राह होती है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार, ठान लीजिए जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो, हिमालय तक पहुँच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। तो दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।
जैन रत्न वहाँ जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वहाँ जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे, अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1,00,000 किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्य टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। धूल और दाग से रंग फीका हो गया, अच्छे से धो, असली रंग फिर दिखेगा। अरे पर दाग निकालते हुए कपड़े का रंग फीका हो जाएगा। इसके लिए तो चैंपियन ब्लू है। इसकी स्टेनबो कलर प्रो टेक्नोलॉजी दाग तो हटाएगी, साथ ही कपड़े के रंग को भी रखे सुरक्षित। रंग हीरो, दाग जीरो। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कलकत्ता में एक पति पत्नी का जोड़ा है जिन्होंने धर्म और समाज के काम में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए और उनका नाम है भीकम चंद पुगलिया और सुशीला पुगलिया। भीकम चंद जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो मैं भी कलकत्ता ही रहता हूं और मैंने आपके कार्यों को देखा, आपके द्वारा अनेक सामाजिक धार्मिक काम हुए। आपने कोलकाता, आपकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि आपकी राजस्थान है, आपने अनेक जगह काम किए मुझे जानकारी है, तो आपके द्वारा क्या क्या विशेष काम किए गए? हमने श्री डोंगरगढ़ में एक
अस्पताल का निर्माण का बीड़ा उठाया और उस अस्पताल तुलसी सेवा संस्थान संस्था गठित की गई युवक लोगों ने मिलकर के 1988 में ये सब हुआ। उसके बाद में धीरे 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 हम स्नेह आगे बढ़ते चले गए और आज वो एक व्यापक रूप ले चुका है। आज उसमें 75 बेड हैं। दूसरा हमारा धार्मिक रूप में वहाँ पर एक 13 पंथ भवन का निर्माण हम लोगों ने धोलियानोरा जिसको बोलते हैं वहाँ पर एक किया और वो काफ़ी कमी थी उसको हमने पूरा किया। मैंने सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करते हैं, क्या है वो? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर एक पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट में बर्मन रोड में श्री जैन सतामृत 13 पंथी विद्यालय है, उसका मैं करीब करीब पिछले 10-12 सालों से अध्यक्ष हूँ मैं। उससे पहले मैं उसमें ट्रस्टी और चीफ ट्रस्टी और सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और उसमें 1200 बच्चे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राजाराट में एक संस्था बनी, हमारी सब श्री कमल जी दुगड़ उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और उसमें श्री सुरेंद्र जी दुगड़ अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं चीफ ट्रस्टी हूँ। और हम लोगों के द्वारा वहाँ पर एक ऑर्चिड आचार्य तुलसी द ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें अभी 2 साल हुआ है और अभी 1100 बच्चे उसमें हो गए हैं। पूरा इंटरनेशनल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत ही अच्छी वहाँ पर शिक्षा का एक कार्यक्रम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए भी मैंने अपना योगदान दिया है। किशनगंज सेवा सदन के माध्यम से जो कटोरिया में कांवड़ियों की सेवा हो रही है उसमें भी धर्मशाला में भी मैंने अपना योगदान किया है, ब्लॉक 2-3 कमरों का निर्माण करवाया है। आपको तो बहुत अनेकों अवार्ड मिले हैं, मैंने आपके बारे में जो जाना तो उनमें से कुछ मुख्य पुरस्कार के बारे में बताएं। मुझे राजीव गांधी एकता सम्मान का अवार्ड मिला 2011 में और 2012 में हिंद रत्न अवार्ड का सम्मान मिला। इसके अलावा हेमंत कुमार अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। आज आप सफलता के एक मुकाम पर हैं, एक आपका नाम जैन समाज में काफ़ी गर्व से लिया जाता है, भीकम चंद पुगलिया, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं इसका सरासरे मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय धर्मचंद्र जी पुगलिया और मेरी पूज्य माताजी श्रीमती किरण देवी पुगलिया को दूंगा और मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला को पुगलिया को भी मैं बहुत बहुत इसके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया। सुशीला जी, आपके बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि आप जैन समाज में कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो कैसे आप वक्त निकाल लेते हैं अपने गृहस्थ जीवन से? मुझे अपने सासू माँ से बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं कोई भी काम करती हूँ मुझे कोई भी काम के लिए वो मना नहीं करती हैं। आप किस तरह के सामाजिक और धार्मिक कामों में आपका समय जाता है? मैं काफ़ी धार्मिक प्रोग्रामों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे एक सबसे बड़ी अभी फिलहाल महासभा है हमारी जैनों की सबसे बड़ी संस्था, उस संस्था श्रोमणी महासभा, उसकी मैं अभी ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रही हूँ और महिला मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं लेडीज जीतो विंग में भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आपको अनेक पुरस्कार दिए गए, क्या क्या हैं वो पुरस्कार? मुझे सबसे बड़ा अवार्ड तो मिला है लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महात्मा गांधी अवार्ड, और भी मुझे अनेकों अवार्ड मिले हैं। भीकम चंद जी, भविष्य की आपकी क्या योजना है, समाज के लिए आप और क्या करना चाहते हैं? मेरा एक सपना है कि हम अपना जन्म स्थान श्री डोंगरगढ़ है उसमें कोई और एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण या कोई कॉलेज का निर्माण हो, यह मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। क्योंकि मेरी एक मान्यता है कि जन्मभूमि कर्म भूमि और धर्म भूमि का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऋण कम किया जा सकता है लेकिन कभी पूरा नहीं उतारा जा सकता। भीकम चंद जी, आज मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप आज से ही अपने नाम में भीकम चंद पुगलिया जैन लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस तरफ पूरे तत्पर रहूंगा और मैं कल से ही जिस किसी को मैं परिचय दूंगा वो भीकम चंद पुगलिया जैन के रूप में ही दूंगा। भीकम चंद जी, सुशीला जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जैन रत्न के इस एपिसोड में शामिल हुए। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप पूरे देश में घूम घूम करके जैनों की अलग जगा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम आपके द्वारा माध्यम से हो रहा है और इसकी जितनी मैं प्रशंसा करूँ उतना कम है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रायः हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान कर दिया या जीवित रहते हुए वे अपनी किडनी या कोई एक अंग लीवर वगैरह वो
दान कर देते हैं। पर आज मेरे साथ पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा है जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने पूरे शरीर को समाज के लिए दान कर दिया। नमस्कार, जय जैनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन कोलकाता में हूँ और कोलकाता के एक ऐसे उद्योगपति से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जो अनेक व्यवसायों से, उद्योगों से जुड़े हुए हैं, पर समाज के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है और उनका नाम है ऊर्जा ग्रुप के विनोद कुमार आंचलिया और उनकी पत्नी ललिता आंचलिया। विनोद जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, जिस तरह से आप जैन रत्न के भीतर विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को आप लेके आ रहे हैं, कुछ जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं था, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता उद्योगपति, उनको आप लेके आए, हमारे नज़र में भी आए, तो सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। पति पत्नी ने मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर दान कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, वो मृत्यु पर्यंत कुछ कुछ समय तक जीवित रहते हैं। अगर उसका सही यूज किया जाए और इमीडिएटली अपने को वहाँ मेडिकल सर्विस में दे दी जाए तो ऑर्गन कई जीवनों को आगे बचाने में काम आते हैं। जैसे अपने नेत्रदान है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, तो इस तरह से अपने जो ऑर्गन है उसमें 19 जीवन अपने उसमें बचा सकते हैं। आज एक लीवर के छोटे छोटे अगर अपने टुकड़े वो मेडिकल वाले देते हैं तो 7-8 आदमी लीवर की बीमारी से बच सकते हैं और 100 से ज़्यादा आदमी टिश्यू सेल्स जो होते हैं उसके डोनेशन में काम आ जाते हैं। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हम मेन तो अपने हाई वोल्टेज फैक्ट्री है, हाई वोल्टेज इंडस्ट्री है जो अपने प्रेसिडेंशियल परचेज में काम आती है। जैसे अपने कोई भी ये एटम टेस्टिंग यूनिट हुई, रेडिएशन सेक्टर हुई, उसकी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल फील्ड के भीतर हैं, अपने ये एडवाइजरी के भीतर है, रियल इस्टेट के भीतर हैं। आप किस तरह के सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं? हमारी एक विंग है, उसके अंदर में ये है कि कोई भी प्रकार के हमारे जैन भाई हों, अगर उनके परिवार में कोई भी सुविधा असुविधा हो तो हर महीने का उनका राशन, दवाई और सब हमारे संस्थान की तरफ से जाते हैं। उसके बाद में रोजगार योजना हमारी है, उसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नहीं तो कोई ना कोई सर्विस के भीतर उनको डाला जा सके। हम लोगों ने करीब करीब 68 लाख से ज़्यादा पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और ये मुहिम कंटिन्यू चल रही है हमारे ऊर्जा ग्रुप, ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से। ये पेड़ क्या काम आते हैं? देखिए, पेड़ इसके अंदर में कई हर्बल पेड़ से हैं, कई नॉर्मल पेड़ भी हैं। सबसे बड़े जो चीज़ है, पेड़ अपने को ऑक्सीजन देते हैं। आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय के भीतर में जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसके अंदर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत हो जाएगी अगर हर इंसान के भीतर ये चेतना नहीं रहेगी कि अपने को ऑक्सीजन नेचुरल तरीके से किस प्रकार से लाई जाए। तो आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं, ये पेड़ क्या इससे आप कोई लाभ भी लेते हैं? ये सारे के सारे पेड़ देश के पर्यावरण के लिए है और इसका जो लाभ है वो ऑटोमेटिक हमारे आने वाले जनरेशन को मिलेगा, अपने सबके आने वाले जनरेशन को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो एक एक पार्ट करके जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसके हिसाब से ही होनी है। ललिता जी, विनोद जी ने तो अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान अपनी इच्छा से दिया, आपने भी दिया, क्या आप अपनी मर्जी से दी या विनोद जी के देख के उनके प्रेशर से आपने दिया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ही दिया और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे मरने के बाद किसी का भी जीवन बच सके, उससे मेरे आंतरिक खुशी ही मिलेगी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली जब विनोद जी ने बात की थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। आपकी भविष्य की क्या योजना है स्पेशली फॉर द हमारे जैन परिवार के लिए? ओल्ड एज होम की परिकल्पना चल रही है, उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ऑन गोइंग है। रोजगार के भीतर में हम लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ है। विनोद जी, एक आग्रह मैं आपसे जरूर करूँगा कि आप अपने नाम के साथ जैन लगाएं। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए इंडिकेट किया, रिमार्क्स किया है। नेक्स्ट हमारी जितनी भी स्टेशनरी बनेगी, हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सन जितना भी रहेगा,
उसके अंदर विनोद कुमार आंचलिया जैन ही रहेगा। विनोद जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका है कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा है जिन्होंने क्रांति लाई बाकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज के द्वारा, जिसके द्वारा हजारों बच्चों को शिक्षा दी गई है और शिक्षा दी जा रही है, और जिनका नाम है संजय बाकलीवाल और सीमा बाकलीवाल। संजय जी, सीमा जी, आप लोगों का जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज की भी आपने जो स्थापना की, जो आज इतिहास रच रही है, तो क्या शुरुआत से ही आपको सफलताएं मिलने लगी थी? बिल्कुल नहीं। सफलता के साथ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको कि हम समझ भी नहीं पाते थे कि ये हमारे साथ हो रहा है, क्या ये सही है, क्या हमको इसको आगे लेके जाना है या मैं यहाँ पे पीछे हट जाऊँ। ऐसी परिस्थिति हमारे पास काफ़ी बार आई। बाकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में ही आप लोग काम करते हैं या कुछ अन्य काम भी करते हैं? शिक्षा सिर्फ अपने आप में काफ़ी नहीं होती है, तो हम एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। हम पर्सनली हर बच्चे की स्किल देखते हैं क्या है, उसी के हिसाब से उसको ट्रेंड करते हैं, उसी के हिसाब से उसको प्लेसमेंट लगवाते हैं। हम अलग अलग सोशल सर्विस करते हैं ताकि बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि लाइफ में या दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम एक साल में काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ करते हैं। हम वृद्धाश्रम जाते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, बच्चों के हाथ से डोनेशंस करवाते हैं। आजकल के बच्चे कैसे पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं कई बार, तो हम उनकी वैल्यू उनको सिखाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बुलवा के उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है वो भी हम पूरा देखते हैं। इसमें क्या कोर्सेज की पढ़ाई आप कराती हैं? हमारे पास बहुत तरह के कोर्सेज है। पहला सेगमेंट है डिग्री कोर्सेज का, जो आते हैं BBA, BCom एंड BA इन सिविल सर्विस। BA इन सिविल सर्विस अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है जिसकी USP हमारे पास ही है, क्योंकि आज जैन समाज में कई बच्चे हैं जो IAS, IPS, IRS वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है, खाली कोचिंग क्लासेस होती है। तो ये डिग्री के साथ आपको UPSC वगैरह की तैयारी कराएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार करता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, कहीं पर भी बच्चा बैठ के MBA, MCA, MCom कर सकता है। इसके अलावा आज कोई भी बच्चा एब्रोड जाना चाहता है, US, UK, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, तो हम बच्चों की उसमें भी मदद करते हैं। महिलाओं के लिए आपके द्वारा या आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या काम किए जाते हैं? एक वंडर वुमेन करके प्रोजेक्ट है जो हम चलाते हैं। उसका पर्पज़ ही ये है कि मैंने देखा जनरली औरत 30-35 के बाद जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो वो थोड़ी फ्री हो जाती है, इनफैक्ट डिप्रेशन वगैरह में जाने लगती है, अकेलापन फील करती है। तो वो वंडर वुमेन प्रोजेक्ट स्पेशली उन महिलाओं के लिए ही ये प्रोजेक्ट हम बनाए हैं, जिसमें मैं वर्कशॉप्स करवाती हूँ छोटे छोटे, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर का नॉलेज हो, या आज के टाइम पे फाइनेंस नॉलेज, जैसे अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेडीज़ के लिए स्पेशली कोर्स, ये इसीलिए मैं करवाती हूँ ताकि औरतों को लाइफ में कॉन्फिडेंस जनरेट हो, उनको भी एक लक्ष्य मिले। सीमा जी, आज वह जिंदगी जैन रत्न के द्वारा लाखों दर्शक आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनको क्या संदेश देंगी जिससे उनको आप लोगों से प्रेरणा मिले? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं आज अपना ही एग्जाम्पल दूँ तो मैंने काम करते करते ये फील किया कि मेरा एजुकेशन थोड़ा और अपग्रेड होना ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं MBA करूं। तो पूरे फैमिली का सपोर्ट मिला और मैंने इस उम्र में, मेरे बच्चा जहां CA की खुद वो पढ़ाई कर रहा है और मैंने MBA की पढ़ाई की, और आज मैं MBA इन HR बन चुकी हूं, बहुत प्राउडली ये मैं बोल सकती हूं। तो मैं चाहूंगी हर देश की नारी को, स्पेशली जैन समाज की हर औरतों को, जिनके सपने अधूरे रह गए वो आज भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैन रत्न का हिस्सा बने।
बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपका भी। आप जो काम कर रहे हैं नेक, जैन समाज में इस तरह की चीज़ें पहले होती ही नहीं थी, आज आप जो एक कनेक्टिविटी पूरे देश में आप बढ़ा रहे हो, ये बहुत ही प्रेरणादायक एक काम है। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है कि आपके इस सौजन्य को, आपके इस कार्य को देख के कि हमने, हमारे समाज में भी किसी एक व्यक्ति ने मीडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा नाम कमाया है। धन्यवाद। जय जिने। कृपया वाह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जैन रत्न का यह सेगमेंट वाह जिंदगी के लिए बेहद खास है। हमारी पूरी टीम सिर्फ यही कोशिश करती है कि हम आपके सामने ऐसे जैन रत्नों की कहानी लेकर आए जिनसे आप कुछ सीख सके। फिर चाहे वह टीम का कार्य हो उन जैन रत्नों को ढूंढना, शूटिंग करके उनके ऊपर फिल्म बनाना, या फिर एडिटिंग करके उस फिल्म को कंप्लीट करना और आपके सामने टेलीकास्ट करना। तो यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। वह जिंदगी जल्द ही जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू करने वाली है। तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसी जैन प्रतिभा है जो अपने कार्य से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा रही है पर अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी आगे लेकर चल रही है, तो हमें ज़रूर बताएं। हमें बेहद खुशी होगी वह जिंदगी की पूरी टीम को लेकर उनके पास पहुंचने में और फिल्म बनाने में। और अब इसी के साथ मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय जिनेंद्र।